ये हया, तेरी तेरी इतनी हिम्मत की आज तू मेरे सामने खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है? लो, मैं क्या तुमसे डरता हूँ क्या? अरे आज तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, कल से मैं तुम्हारे सामने शराब पीऊंगा, घर में चंपा बाई को लाकर नाच कराऊंगा, दुनिया भर की बदमाशियां करूंगा। अरे तुम देखते तो जाओ। क्या तू तू मेरे सामने बदमाशियां करेगा? हाँ, जुआ खेलूंगा, गुंडागर्दी करूंगा, मैं किसी के बाप से डरता हूँ क्या? तू मेरे सामने दुनिया की हर बुराई करेगा और मैं देखता रहूंगा, मैं तुझे जान से मारूंगा। वाह भैया, आज तुमने पहली बार हाथ उठाया है, इस उठे हुए हाथ को गिरने मत देना, ये मर्दानगी का झंडा है। आज पहली बार तुमने सबूत दिया है कि तुम बुजदिल नहीं हो, मर्द हो। इस मर्दानगी के हथियार को तलवार की तरह चलाओ भैया। घर की चार दीवारी में बहुत जुल्म बनता है, उसका सर्वनाश कर डालिए। अपनी मासूम बेजुबान भाभी अत्याचार की चक्की में सुबह शाम पिस रही है, उसे बचा लो भैया, उसे बचा लो। वो बड़े घर की बच्ची है, गरीबों के घर में उस पर जुल्म होगा तो गरीबी बदनाम हो जाएगी। आज गरीबों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, जय बजरंग बली बोलकर हमला कर दीजिए और गरीबी की इज्जत को दाग लगने से बचा लो भैया, बचा लो। अरे वाह बोले, तूने मेरे हाथ की बेधारी तलवार को धार लगा दी बेटे, उस दिल्ली की पट्टी से बंद मेरी आंखें खोल दी। वहां जाके घबराना नहीं भैया, रास्ते में बजरंग बली का नारा लगाते चलो, जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। दीदी क्या है? दीदी ये तार कब आया? परसों आया था। परसों? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ए, आवाज नीची कर, और ये आंखें है ना, जरा छोटी करके बात कर, वरना दो उंगलियों से तेरी आंखें निकाल डालूंगी, समझी? आज आप मेरी जान क्यों ना ले ले, मैं ये पूछ कर रहूंगी कि आपने मुझे इस तार के बारे में बताया क्यों नहीं? रुक जाओ। बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। खबरदार जो तुम लोग मेरे बीच में बोले तो, ये कमीनी दिन रात यहाँ बैठकर हराम की रोटियाँ तोड़ती है और तड़पती अपनी जीजा की बीमारी के लिए, आज तो मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ के ही रखूंगी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, आज तो मैं तेरी ऐसी मरम्मत करूंगी। ये डंडे का झंडा मुझे देना, आज मरम्मत मैं करूंगा, जय बजरंग बली, हड्डियाँ मैं तोड़ूंगा, जय बजरंग बली। तुम्हारे हाथों में इतना दम है कि एक डंडा भी उठा सको? अरे ये परसों से सोया हुआ हाथ आज जागा है। ए लड़की इधर आ। अब देखना ये हाथ का डंडा क्रिकेट बैट की तरह कैसे काम करता है, ला मुझे दो। ये लो, और आज इसकी ऐसी मरम्मत करो कि इसकी हड्डियों का पानी पानी हो जाए। बिल्कुल, पहले तो हड्डियों का पानी बनाऊंगा, फिर उस पानी से नहाऊंगा, फिर चमड़े का तौलिया बना के उससे अपना बदन पोंछूंगा। क्यों बोले? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, तोड़ू। दिमाग खराब नहीं हुआ है, आज पहली बार दिमाग मेरी करती रहती है। लड़की खाएगी, जानवरों की तरह काम करने वाली उस मासूम लड़की पर दिन भर ये दीदी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो, उस मिठाई वाले के पैसे चुकाते चुकाते हमारी कमर टूट गई, थोड़ा बहुत ब्याज तो वसूल करने दो। वाह भाई साहब, तुझसे तो मुझे 12 साल के बदले लेने, अब 12 साल में तो सिर्फ 5 मिनट के बदले लिए मैंने, 5 मिनट के। 3 साल तक तुझे इसी तरह लगातार मारता रहूंगा, तब कहीं जाके मेरे दिल के 1 करोड़ छालों में से 10-12 छाले सूखेंगे। तुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो मुझे, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, इस घर की नौकरानी बनकर रहूंगी, मत मारो मुझे, मत मारो। माफी मुझसे नहीं, उस मासूम लड़की से मांग, जा। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर। नहीं नहीं,
अब मैं तुझ पर जुल्म कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं दीदी, आप तो बड़ी हैं, ये आप क्या कह रही हैं? तो खाओ कसम कि आज के बाद तुम्हारे सारे नखरे नाटक बंद, एक सीधी सादी घरेलू औरत बनके इस घर में रहोगी और सांप जैसी लंबी जबान को अपने मुंह के बिल में हमेशा के लिए कैद करके रखोगी। खाओ कसम। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं सुधर जाऊंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी। ठीक है, हाँ बोल बेटी, तू क्या कहती? बड़े भैया, मुझे मेरे जीजा जी के पास ले चली, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे उनके पास पहुंचा दीजिए। नहीं 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 बहन, हाथ नहीं जोड़ते, हुक्म करो। अरे बहनें अपने भाइयों से भीख थोड़ी मांगती हैं, अधिकार मांगती हैं। मैं खुद तुमको तुम्हारे घर पर बड़ी इज्जत से छोड़ के आऊंगा, क्यों भाई साहब? हाँ, बोला बिल्कुल ठीक कह रहा है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। और सुनो, अपना चेहरा थोड़ा साफ कर लो, आंसुओं के साथ नाक बह बहकर पूरा चेहरा गीला कर लिया है, जाओ। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? अब जाओ ठोकरमल हलवाई के पास और मेरे लिए 2 किलो लड्डू ले आओ, जाओ जाओ। ये क्या किया भाई साहब आपने? क्यों? अरे फिर लड्डू खाने भेज दिया उसको? अरे हट, आज से लड्डू हम खाएंगे। जीजा जी, जीजा जी, मैं आ गई, जीजा जी मैं आ गई। आप ठीक हो जाइए जीजा जी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी जीजा जी, कभी नहीं जाऊंगी जीजा जी, बस आप ठीक हो जाइए। गीता रो मत, रो मत गीता, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है 2-4 दिन में अच्छे हो जाएंगे। आओ आओ मेरे साथ। ड्राइवर कहां चला गया? मैं देखता हूं। कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे। कहां का भैया, कैसा भैया? घर के तो बंटवारा करा दिए, भाइयों में फूट डाल दी, उसके बाद शर्म नहीं आती मुझे भाई कहते हुए? मैंने कोई बंटवारा नहीं कराया, ये क्या कह रहे हो तुम? अब झूठ बोलकर अपने गुनाहों पर पर्दा मत डालो। क्या तुमने शीतल के हाथ से जायदाद का बंटवारा कराने की चिट्ठी नहीं भिजवाई थी? 1 मिनट मोहन, 1 मिनट। ये सारे प्रसाद की चट शीतल है, उसी ने मेरे कान भरे और मुझे मजबूर किया कि मैं इन्हें लेकर किसी हिल स्टेशन पर चली जाऊं, ताकि पीछे से वो अपनी मनमानी कर सके। मोहन, शीतल का साथ देकर जो मैंने पाप किया है, उसकी सजा तो भगवान ने मुझे दे दी है, मैंने अपना बच्चा खो दिया है। शीतल।